बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लैंड प्लानिंग के मुताबिक, सोसाइटी प्लान के मुताबिक। आप किसी भी एरिया के अंदर अपना कोई सोसाइटी प्लान बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कमर्शियल एरियाज वगैरह, मार्केट वगैरह और मुख्तलिफ ब्लॉक्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ ये इम्पोर्ट टॉपो डेटा के ऊपर, इसके इंटरफेस के ऊपर बताया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाउन प्लानिंग के मुताबिक बताऊँगा कि आप इसकी टाउन प्लानिंग को कैसे कर सकते हैं, इसके सारे प्लाट्स वगैरह कैसे बना सकते हैं, प्लाट्स का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या सिस्टम होगा, इसके मुताबिक पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के ऊपर प्लान प्रोफाइल का तरीका बताऊंगा, आपने इसके एलिवेशंस को कैसे एडजस्ट करना है, इनके साथ आपस में कैसे मैच करना है, इसमें इसके क्लास सेक्शंस कैसे बनाने हैं, इसकी क्वांटिटीज़ कैसे बनानी है, और इसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका पूरा सीवरेज सिस्टम को कैसे बनाना है, इसके मेन होल्स वगैरह कैसे बनाने हैं, क्या उसकी डेप्थ वगैरह रखना है। तो ये हो सकता है मेरी वीडियो एक दो या तीन हिस्सों के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो आपने इस यूज़फुल वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है सारी वीडियोज़ को मेरी, और इसके अंदर आपको बहुत सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़। हम इंजीनियरिंग के सर्विस फ्राहम करते हैं जिसके अंदर हम आपको टॉपोग्राफी से लेकर टॉपोग्राफी सर्वे है, कोई सोसाइटी का सर्वे है, सोसाइटी का डिज़ाइन है, इसी तरीके से आपका कोई सीवरेज प्लान है, वाटर सप्लाई का प्लान है, कोई भी रोड्स वगैरह उसका डिज़ाइनिंग है, उसका सर्वे है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं आप मुझसे करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई एज बिल्ड ड्राइंग्स वगैरह बनाना चाहते हैं, एज बिल्ड सर्वे करवाना चाहते हैं, क्रॉस सेक्शंस वगैरह बनाना चाहते हैं बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर्स का, उसकी इसी तरह आपको स्ट्रक्चर और ब्रिजेस वगैरह, कलवर्स वगैरह के बारे में शेड्यूल्स हैं, उनका डिज़ाइन वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई हाउस मैप वगैरह कोई भी चीज़ आप बनवाना चाहते हैं इस किस्म की, तो हमारे पास कंप्लीट एक्सपीरियंस होल्डर टीम मौजूद है, जो कि हम आपको ये काम अच्छे तरीक़ाकार के साथ और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको करके दे सकते हैं अच्छे रेट्स के ऊपर। तो आपने मेरा ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आप कोई दोस्त यार करवाना चाहते हैं तो आप उनको भी ज़रूर रिकमेंड करें मेरे इस चैनल के बारे में भी, और मेरे जो भी वर्किंग जो भी काम करवाना चाहते हैं उस सिलसिले में ये नंबर्स वगैरह मेरे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के हवाले से भी उनको दे सकते हैं और ख़ुद भी आप जो भी काम करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लान बनाने के लिए सोसाइटी का कोई भी टाउन प्लानिंग बनाने के लिए आप अगर फिट्स में काम करते हैं, उमूमन हमारे यहाँ ये सारा प्लान जो होता है सोसाइटी का या लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग का सारा फिट्स के अंदर चलता है, तो आपने ऑटो कैड सिविल 3D इंपीरियल को इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जैसे पॉइंट्स के ऊपर आ जाना है और जो आपके पास टॉपो डेटा पड़ा हुआ है आपने टॉपो डेटे को इसके अंदर इंपोर्ट कर देना है। ये आप देख रहे हैं कि टॉपो डेटा मेरे पास इधर पड़ा हुआ है, छोटा सा एरिया मैंने रखा हुआ सारा, तो इस डेटे को आपने जैसे इंपोर्ट कर लेना है अपनी फाइल को, जो भी आपके पास होगी इसका फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास PNEZD डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, इधर से मैं इसको ओपन करूँगा और इधर से मैंने जूम एक्सटेंड कर देना है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास टॉपो का डेटा इधर आ गया। अभी इस डेटे के ऊपर आप एलिवेशन वगैरह लगाना चाहते हैं सारा कुछ, तो आप इधर से इसके पॉइंट्स ग्रुप में जाके प्रॉपर्टी के ऊपर इधर से आपने इसके आल पॉइंट्स के ऊपर आना है और इसके प्रॉपर्टी के ऊपर आना है, और इधर से आप जो भी इसके साथ रखना चाहते हैं पॉइंट का स्टाइल और इधर से लेबल स्टाइल वगैरह रखना चाहते हैं जो भी, तो आप इधर से रख सकते हैं एलिवेशन वगैरह, पॉइंट नंबर एलिवेशन रखना चाहते हैं तो आपके पास इधर आ जाएंगे। तो ये इसी तरीके से ये आपने पॉइंट्स को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट्स करने के बाद आपने इसके ऊपर सबसे पहले अपनी सरफेस को बनाना है। सरफेस को बनाने के लिए आपने इधर से प्रोस्पेक्टर के अंदर सरफेस के ऊपर आ जाना है, क्रिएट सरफेस आपने बना देनी है। इधर से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इधर से नाम दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट, तो ये सरफेस नेम हो जाएगा। इधर से आप इसका जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कंटूर इंटरवल डिज़ाइन हम रखेंगे 1 फिट एंड 5 फिट डिज़ाइन का इंटरवल इधर से रख सकते हैं। इधर से अगर आप इसके ऊपर चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इधर से आ जाएं इसके प्रॉपर्टी के अंदर और इधर से आप कंटूर वाले एलिवेशन के ऊपर आ जाएं और इधर से आपने कंटूर इंटरवल है, इधर से आप इसका डिस्टेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, 0.2 के ऊपर रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं जितना भी रख सकते हैं, 1 के ऊपर जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अप्लाई कर दें और इधर से इसको ओके कर दें और इधर से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने तो सरफेस के ऊपर आना है, माय प्रोजेक्ट सरफेस क्रिएट हुई है, डेफिनेशन के ऊपर आ जाना है, उधर से आपने पॉइंट्स ग्रुप को बनाना है और इधर से आपने ऐड कर देना है यही पॉइंट्स जो आपके पास पॉइंट हुए हैं, अप्लाई करके आपने इसको इधर से ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपके पास इधर इसकी सरफेस बन जाएगी। तो आपने पॉइंट्स इंपोर्ट्स करने के बाद सबसे पहले इधर अपनी सरफेस को इस तरह बना लेना है। ये आप देख रहे हैं कि पूरी हमारी सर्फेस इधर से क्रिएट हो गई है। अभी हमने इसके अंदर अपनी टाउन प्लानिंग के ऊपर बात करनी है। टाउन प्लानिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इधर हमारे पास मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ प्लान होते हैं, 5 मरला, 7 मरला,
10 मरला वन कैनाल तक के प्लाट होते हैं, उन सब की प्लाटिंग इधर की जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको इसकी प्लाटिंग के मुतालिक बताऊंगा, उसके बाद इनके रोड्स के मुतालिक, उसके बाद सीवरेज लाइन और इसके अंदर जो जो सी पार्क्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी सब के मुतालिक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप इन सीवरेज लाइन के मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लान प्रोफाइल्स के मुतालिक बताऊंगा कि आप इनके रोड्स की कैसे बना सकते हैं। तो इधर से आपने ये सबसे पहले सर्फेस को क्रिएट कर लेना है। तो आप कोई भी सोसाइटी या टाउन प्लानिंग के लिए प्लाटों की साइज़ के मुतालिक आपको मालूम होना चाहिए, आपके इलाके में प्लाटों की साइज़ क्या चाह रहा है। अभी जैसे देख रहे हैं कि 3, 5, 10 वन कनाल टू कनाल्स के सारे प्लाट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लाट्स होते हैं मुख्तलिफ एरिया के अंदर। तो ये प्लाटों का साइज़ यानी कि 5 मरला है, प्लाट का कलर आपने कौन सा देना है इसके अंदर आप कलर का लेजेंड बना देंगे। प्लाट का एरिया 1125 स्क्वायर फीट होता है 5 मरला का हमारे पास। इसी तरह उसकी साथ डायमेंशन 45x25 फीट का जो ये प्लाट होता है साइज़ का, इसी तरह 10 मरले का प्लाट का कलर, उसका एरिया और उसका साइज़, और इसी तरह वन कनाल प्लाट्स का कलर, उसका एरिया और उसका साइज़ वगैरह आपको मालूम होना चाहिए। जो भी कलर वगैरह रखना चाहते हैं आप इधर से रख सकते हैं। साइज़ जो भी आपके इलाके के हिसाब से चाह रहे हैं उसके इलाके के हिसाब से आपने उसकी डायमेंशंस के ऊपर आपने प्लाट्स बना देने। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट की बाउंड्री लगा देंगे, जो भी बाउंड्री आ रही है इसकी, ये बाउंड्री आप वाइल्ड लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर अंदर हमने अपनी सारी लैंड प्लानिंग करनी है, इसमें प्लाट्स वगैरह बनाने हैं, सारा कुछ बनाना है। तो इसके लिए बनाने के लिए इधर से हम अपने कंटूर को और इधर से जो हमारे पास जो भी इसकी सरफेस जा रही है इसको इधर से हम ऑफ करते हैं। सरफेस प्रॉपर्टी के ऊपर आप आ जाएं और इधर से आपने इसको, इधर से मैं इसको नो डिस्प्ले कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ इधर से। और इसी तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को भी मैं इधर से इसको मैं ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर आके और इसको इधर से मैं नोन कर देता हूँ, उसको फिलहाल मैं इधर से ऑफ कर देता हूँ। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। पॉइंट एलिवेशन डिस्क्रिप्शन को भी मैं जैसे ऑफ कर दूंगा। तो ये अभी, तो अभी आप देखने की एरिया हमारे पास क्लियर हो गया। अभी आपने ऊपर लेजेंड के ऊपर आ जाए ना, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने बनाना है 5 मरला प्लाट्स का एरिया और उसका साइज़ आपने इधर लिख देना है। इसी तरह 10 मरले का साइज़ वगैरह आपके पास सारा कुछ होना चाहिए, या आपने ब्लॉक की शक्ल में इधर बनाया हुआ लाजमी होना चाहिए। उसके बाद मैं इसकी डायमेंशन आपको इधर से चेक करा देता हूँ डिस्टेंस के जरिए। आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा ब्लॉक हमारे पास उसी तरह बना हुआ, आप इधर देख रहे हैं 45, इधर आते थे 25 के ऊपर बना हुआ है, बाकी सारे प्लाट भी इसी तरह बने हुए हैं। तो प्लाट्स को बनाने के बाद आपने सबसे पहले ऊपर लेयर्स बनानी है, आपने ऊपर लेयर बनानी है, इसकी लेयर जनरेट करनी है। सबसे पहले आपने जैसे एल ए लेयर की कमांड के ऊपर आ जाना है, जैसे लेयर आ जाना है आपने जैसे न्यू करनी है। सबसे पहले आपके पास अगर हमारे पास 5 मरला है तो आपने जैसे 5 मरला का ब्लॉक आपने लेयर बना देनी है। इसका जो भी कलर है वो आपने कलर इधर से उसका चूज़ कर लेना है, जिस टाइप का भी कलर है आप इसको बना देंगे। उसके बाद आपने जैसे 10 मरला हमारे पास है, आप इधर से 10 मरला अब प्लाट्स या इसके साथ जो भी इसकी एडिंग वगैरह देना चाहते हैं दे दें। लेयर्स आपने इसकी ज़रूर बनानी है। 10 मरला का हमारे पास है ग्रीन कलर, तो आपने जैसे ग्रीन कलर इसका चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है और इधर हमारे पास है वन कैनाल। तो जितने जितने भी आपको प्लाट्स होंगे जो भी होंगे आपने सबसे पहले उसकी लेयर को इधर से क्रिएट कर देना है। तो ये हमारे पास 5 मरला की लेयर आ जाएगी, इसी तरह से कलर वगैरह आप दे और उसको आपने इधर से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने इस ये जो ब्लॉक है इसको आपने लेयर के ऊपर ले आना है, इसको ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ये 5 मरला है, आप इसको 5 मरले के ऊपर ले आना है। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं 10 मरला है, आपने जैसे 10 मरला के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। और जैसे ये हमारे पास जो वन कनाल वाले प्लाट्स हैं इसको आपने वन कनाल के ऊपर इधर से एडजस्ट कर देना है। तो ये वन कनाल वाला आ गया, तो ये अभी आपकी सारी लेयर्स के अंदर ये सारे आ गए। तो अभी आपने करना है, आपने अगर सपोज इधर हम 10-10 मरले के प्लाट्स को शुरू करना चाहते हैं तो आपने ये ब्लॉक जो आपने बनाया हुआ आप इसको इधर से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको इधर पेस्ट कर दें। ये जो प्लॉट है हमारा दो किस्म की डिफरेंट शेप के अंदर हम इसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं। नंबर वन के अंदर ये हॉरिजॉन्टल और उसके बाद मैं उसको इधर से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर रखता हूँ और उसको रोटेट कर देता हूँ तो 90 डिग्री के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टू शेप के अंदर ये प्लॉट हमारा ड्रा हो सकता है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं तो आप इसको इधर से कॉपी करके और आप इसको इधर इस तरह लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको वर्टिकल इस शेप के अंदर अगर इसकी डायमेंशन को रखना चाहते हैं तो आप इधर से ला के इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों शेप्स के अंदर आप इनको इधर लगा सकते हैं, जो भी आप इसका शेप आपको पसंद है आप उसके हिसाब से आप इसको लगा दें। तो हम इसको इधर हॉरिजॉन्टली इधर लगाएंगे, तो मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर हमने पहला प्लॉट इधर लगा दी। ये हमारा बॉडी लाइन के साथ पहला प्लॉट आ जाएगा। अगर इधर हमारे पास के साथ रोड है तो ये डबल बनेगा, अगर इधर हमारे पास रोड नहीं है बिल्कुल एंड बाउंड्री वाला है तो ये हमारे पास इधर सिंगल प्लॉट आएगा, इस रोड हमारे पास इसके साथ इधर आएगी। तो ये पहला प्लॉट हमने ड्रा कर दिया। अभी हम इधर से कहते हैं कि हमने इधर 15 प्लॉट्स को इधर एक साथ लगाना है, उसके बाद हमने इसकी एक्सेस देनी है रोड की या जो भी इसके साथ देना है। तो आपने इधर से 15 प्लॉट इसके लगा देने हैं, तो आप इसको इधर से कॉपी करना है इसी तरीके से और कॉपी करते हुए आपने लगाते जाना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 और ये 15. तो ये 15 प्लॉट हमारे पास आ गए. इसके बाद आप इधर से इसकी कोई इसके अंदर स्ट्रीट वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसको. आप इसकी लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं. 15 के बाद आप 20 भी करना चाहते हैं या जितना भी. ये सारी आपकी प्लानिंग के ऊपर मुनहसर है. ये अभी 20 प्लाट्स मैंने बना दिए हैं. इसके बाद अभी हमने इधर एक स्ट्रीट देनी है. तो ये इसकी जगह हम इधर से सपोज इस तरह एक स्ट्रीट लाइन लगा देंगे और स्ट्रीट हमारी 40 फीट की आएगी. जो टाउन प्लानिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो स्टैंडर्ड चलता है वो 40 फीट की स्ट्रीट्स और लाइन होती है. आप इसको कम या ज़्यादा अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं. 30 फीट की भी लगा सकते हैं और 35 फिट की भी लगा सकते हैं. तो हम इधर लगाएंगे इसकी 40. तो आपने जैसे 40 फिट का आपने इधर से ऑफसेट इसका दे देना है तो ये हमारे स्ट्रीट आ जाएगी. उसके बाद आपने दोबारा इस पॉइंट को कॉपी करना है और इधर से साथ आपने बिल्कुल इधर एग्जैक्ट लगा देना है. तो लगाने के बाद आपने इसको इसी तरीके से आप इसको इधर से कॉपी करते जाएँ और ये प्लाट्स वगैरह जितने भी आप बनाना चाहते हैं आप बना दें. इस तरह भी बना सकते हैं और ऊपर आपने 20 प्लाट्स बनाए हुए तो आप इसको इधर से कॉपी करके और इधर से सेम टू सेम इसको दोबारा नीचे आप पेस्ट कर दें कॉपी कर लें इधर से और इधर आप आके इसको इधर लगा सकते हैं. तो ये भी 20 प्लाट्स हमारे पास आ जाएंगे इधर. इसी तरीके से अगर आप इनको एंड तक लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करके और पूरे प्लाट्स को आप इधर इसकी लेआउट्स वगैरह कर सकते हैं. जो आखिर में जगह बचेगी उस प्लाट को आप इधर से एक्सटेंड करके और इधर से आपने प्लाट का साइज इधर से बड़ा कर देना है. उसके हिसाब से ये एरिया के हिसाब से बहुत सी जगहों के ऊपर चीज़ डिवाइड होती है. तो भी आप देख रहे हैं कि ये हमने टर्मर लेके इधर एक साइड के ऊपर प्लाट लगा. अब इसके बाद आपने एक तरह से लाइन एक पूरी ड्रा कर देनी है. इसके एंड तक ये लाइन लग जाएगी और इधर से आपने ऑफसेट दे देना 40 फीट का. 40 फीट की ये हमारे पास इधर ये लाइन आ जाएगी. ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली जाएगी ये वापस स्ट्रीट होएगी और जो वर्टिकल आएगी ये हमारे पास लाइन आ जाएगी. तो ये लाइन का आप इधर से ऑफसेट लेके इधर 20 फुट का आप इधर से इसका सेंटर लाइन भी इधर मार्क कर दें. तो ये वापस सेंटर लाइन इसकी आ जाएगी इन रोड्स की और इसी तरीके से आप इसको बना दें. इसके बाद आपने इधर इसी तरीके से यही जो आपने प्लाट बनाए थे आपने इस पूरे प्लाट्स को इस सेगमेंट को नीचे तक आपने इसको कॉपी कर लेना. कॉपी करने के बाद आपने इसको उधर से मूव करना है और इधर एक लाइन आ जाएगी और दूसरा प्लॉट का साइज हमारे पास इधर आ जाएगा. तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर सिंगल लाइन आ गई और इधर डबल लाइन हमारे पास आ गई. इसके बाद ये हमारे पास इधर जगह बची है. इधर इसको हमने इसी तरीके से ऑफसेट की कमांड लेके और इधर से 20 फीट का पहला ऑफसेट हमने इसकी सेंटर लाइन लगा देनी है और उसके बाद इसका बिल्कुल जो प्लॉट का एज होएगा वो हमने लगा देना है. इधर से आपने दोबारा ये जो सेंटर वाले प्लॉट्स आपने बनाए थे इसको आपने इधर से कॉपी कर लेना है इन प्लॉट्स को इसी तरीके से. और कॉपी करने के बाद आपने इधर से सेम टू सेम आना है और इधर आपने लगा देना है. ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास ये 1, 2, 3, 3 स्ट्रीट्स हमारे पास बन गई हैं. इसकी लाइंस बन गई हैं. उसके दरमियान में हमारे पास सारे इधर प्लाट्स आ गए. इधर ये हमारे पास ये लाइन जा रही थी इसकी स्ट्रीट की हमने बनाई थी. आप इसको इधर से इसी तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इधर से ताकि ये हमारे पास इधर ज़रा वाजह हो जाए. इसको आपने इसी तरह एक्सटेंड कर देना है. ये हमारे पास स्ट्रीट आ जाएगी. उसके दरमियान में जितना भी पोर्शन हमारे पास जाएगा इस पोर्शन को हमने इधर से सेंटर लाइन के अलावा जितनी भी चीज़ें जा रही हैं उन सबको हमने इधर से रेस कर देना है. तो ये हमारे पास स्ट्रीट आ जाएगी. ये वाला पोर्शन को भी हमने इधर से इसकी स्ट्रीट को इधर से रेस कर देना है इस लाइन को. तो ये आप हमारे पास इधर इस तरह इसकी स्ट्रीट्स और इधर लाइन्स वगैरह इधर ये इसकी क्रिएट हो जाएगी. तो ये आप देख रहे हैं इधर से इसी तरीके से आप इसको इधर से 20 फीट और लगा के उसका एक और रोड का ऑफसेट आप बना सकते हैं. तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर 10 मरले का प्लाट बन गया है. सारे इसके शेप हमने बना दिए. इसके अंदर सारा कुछ कर दिए. इसके बाद आगे अगर आप ये देखते हैं कि इस साइड के ऊपर आप इधर से सपोज है आप 5 मरले का प्लाट आप बीच में हम ब्लॉक बनाना चाहते हैं. ये मुख्तलिफ शेप्स होती हैं ब्लॉक्स की उसके हिसाब से आपने बनाना है. तो आगे हम इस ब्लॉक को हम 5 मरले के ऊपर बनाना चाहते हैं. इसके बाद ये साइड हमारे पास स्टार्ट आ जाती है. हमने इस इधर जो ब्लॉक बनाया था जो अपना 10 मरले का प्लॉट वो हॉरिजॉन्टली बनाया था. तो ये जो हमारे पास सामने आ रहे हैं इसको हम इधर से चेंज भी कर सकते हैं. इसका थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह आप इधर से जो वर्टिकल आ रहे हैं आप इस शेप के अंदर इसको इधर बना सकते हैं. जितने भी आप इधर प्लॉट बनाना चाहते हैं जो वो लगाना चाहते हैं वो प्लॉट्स आप इधर से लगा दें. सपोज मैं इधर से 15 पॉइंट्स को इधर लगाऊंगा तो आप इधर से इसी तरीके से इन प्लॉट्स को इधर आप लगा दें इस शेप के अंदर. तो ये आप देख रहे हैं कि इधर से हमारे पास ये इसी तरह इस शेप के अंदर ये पूरे प्लॉट आ जाएंगे. इधर ये हमारे पास फ्रंट आ जाएगा इसका. इधर इस तरह फोल्ड आ जाएगी और इधर से आपने इसको इसी तरह कॉपी करना है इन दोनों प्लॉट्स को. और इधर से आपने कॉपी करने के बाद इन प्लॉट्स को आपने इधर पेस्ट कर देना है. इधर लगा देंगे तो ये हमारे पास डबल लाइन आ जाएगी इसकी. इसी तरीके से आपने इधर इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है इधर से और आपने ऑफसेट दे देना है 20 फीट का पहला रोड का. ये स्ट्रीट की आ जाएगी सेंटर लाइन और ये स्ट्रीट तो ये आपने बना दिए. इसके बाद थोड़ा सा आप इधर से पैटर्न चेंज कर दें. आप इस प्लॉट को कॉपी कर लें इसी तरीके से.
ये जितने प्लाट्स हैं आप कॉपी करके आप इनको इधर साइड के ऊपर इधर ड्रा कर दें। ड्रा करने के बाद आप इसको इधर से रोटेट कर दें 90 डिग्री के ऊपर, ये सेम टू सेम उसी तरीके से आ जाएंगे आपके पास जिस तरह आपके पास इधर सामने जा रहे हैं। तो आपने इधर इन प्लाट्स को इधर लगा देना है। लगाने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। इधर पूरी लाइन लगाने के बाद आप ऑफसेट दे दें 20 फीट का, ये रोड की सेंटर लाइन आ जाएगी और इधर से 20 फीट आपके पास इधर दूसरी साइड आ जाएगी। तो आपने इधर से इसको इसी तरीके से इन प्लाट्स को इधर से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर ड्रा कर देना। तो ये आपके पास सेम टू सेम इधर आ जाएंगे और इधर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर तभी हमारे पास इधर जगह आ रही है इधर। तो आपने इधर से इसी तरीके से आपने इधर ऑफसेट दोबारा 20 फीट का आपने इसकी एक लाइन इधर सेंटर लाइन और इधर आपने दूसरी लाइन आपने लगा देनी। लगाने के बाद आपने इधर से एक इसके सिंगल साइड्स को आपने इसी तरीके से कॉपी कर लेना है। उसी तरह आपने एक और लाइन इसकी ऐड कर देनी है इसके साथ। आप ये देख रहे हैं कि ये हमने इधर बना देना है इसको और कॉपी करके आपने सेम टू सेम इसको इधर एक और लगा देना। लगाने के बाद आपने ये वाली जो स्ट्रीट है इसको आपने ऊपर तक ले जाना है, दोनों साइडों के ऊपर आपने इस लाइन को ऊपर तक ले जाना है। ये बीच में आपको प्लाट बच रहे हैं आपने इधर से कॉपी करना है इसी तरह इस प्लाट को और दोनों प्लाट्स को आपने इसे कॉपी कर लेना है और इधर आपने इधर लगा देना है। उसके बाद सेकंड प्लाट्स को भी आपने कॉपी करना है इधर लगा देना। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर जगह बच रही है, जो जगह बच रही है आपने इधर से उसको एक्सटेंड करके और ये जो प्लाट्स हैं इन प्लाट्स को आपने थोड़ा सा इधर बड़ा कर देना है। इसके साथ आप उसको मैच कर देना, ये प्लाट का साइज इधर से बड़ा हो जाएगा कान्हा वाले प्लाट्स होंगे। तो आपने ये शेप इसी तरीके से इसकी इधर बना देनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इधर थोड़ा सा इधर पैटर्न चेंज करके भी इसको बना दिया इधर। तो आप इसको इस तरीके से इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स वगैरह को कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है इधर, उधर एक लाइन आपने इसी तरह लगा देनी है और ऑफसेट 20 और इसी तरीके से आपने 20 फिट का ऑफसेट दोबारा लगा देना है और इधर आप इसकी प्लाट की शेप दोबारा इधर से चेंज कर सकते हैं। और ये प्लाट जो आपने ऊपर लगाए थे इन प्लाट्स को आप इधर से कॉपी करके और सेम टू सेम इधर आप इधर लगा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्लाट्स इधर सेम टू सेम उसी डायरेक्शन के ऊपर और उसी तरीके से आ जाएंगे। ये लैंड स्ट्रीट्स को आप इधर से बड़ा कर देंगे। उसको मैच कर देंगे और इस प्लाट्स को भी आप इधर से इसकी लाइन को इसके बराबर मैच कर देंगे। तो ये आप इधर मुख्तलिफ पैटर्न्स वगैरह आप इसके इजीली बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा इधर हमने स्ट्रेट बनाया है, इधर हमने इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस को थोड़ा सा इधर से चेंज कर दिया प्लाट्स की सारी सेटिंग। तो आपने इसी तरह कॉपी की कमांड ले लेनी है, ऊपर जो हमने साइज प्लाट के बनाया है इसको आपने इसी तरह कॉपी कर लेना है सेंटर लाइन के साथ, उधर नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आप इसको प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आप अलग से पैटर्न इसका बनाना चाहते हैं तो आप इसका पैटर्न अलग भी बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह हमने ऊपर वर्टिकल प्लाट्स वगैरह बनाए थे तो आपने वर्टिकल प्लाट्स को भी कॉपी करके नीचे इस तरह लगा सकते हैं। तो आप इस तरह इसी तरीके से मुख्तलिफ शेप्स के अंदर इनको बना सकते हैं, जो भी आप अपना आइडिया लगाते हैं जिसके हिसाब से भी आप समझते हैं कि इधर ये बेहतर है, आप उसके अंदर उसका अच्छा सी प्लानिंग वगैरह आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने 40 फीट के ऊपर जो हमारी स्ट्रीट्स की लाइन चल रही है उधर आपने इसको लगा देना। अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये प्लाट हमारे आउट हो रहे हैं, आपने इसको रोटेट की कमांड ले लेनी है और 180 के ऊपर आपने इसको प्लाट्स को इधर से इसी तरीके से रोटेट कर देने और इधर आपने लगा देना है। नीचे वाली लाइन को आपने इधर से इसको एक्सप्लोर करके और नीचे वाली लाइन को आप इधर एक्सटेंड कर दें बिल्कुल नीचे तक और ये प्लाट का साइज़ आप इधर से चेंज कर दें। ये जो सेंटर लाइन वगैरह आ रही है आप इधर से आप ये देख रहे हैं कि प्लाट का साइज़ बड़ा छोटा, तो आप इसको इधर सेंटर में करके दोनों प्लाट को सेम टू सेम साइज़ के ऊपर आप लेकर आ जाएँ। तो आप इसी तरीके से आप इसको प्लाट को बना दिया, उसके बाद आपने इधर से इसकी लाइन जो इस गली है वो आपने लगा देनी है और इस प्लाट को आपने कॉपी करना है और इधर आगे साथ आपने लगा देना है। इसी तरीके से आप अभी आप इस फॉर्मेट को इधर से कॉपी करते जाएँ, उधर आगे आप इसको लगाते जाएँ जिधर तक आप इसको लगा सकते हो। आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को इधर से हम पकड़ के और नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारी जो स्ट्रीट जो लाइन आ रही है ये पूरी एक हमारी सीक्वेंस के ऊपर आ जाए। तो आपने इसी तरीके से लाइन के ऊपर इस हिसाब से उसके प्लाट्स वगैरह को इधर उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी कर लेनी है। तो ये आपके सामने मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर मैं आपको ये वर्किंग सारी करके दिखा रहा हूँ, तो आपने ये वर्किंग वगैरह इसी तरह कर लेनी है। अभी ये हमारा आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक इधर तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया इधर। तो इसके बाद आपने इधर से ऑफसेट ब्लॉक दूसरा लगाना, तो उस दोनों ब्लॉक्स को लगाने के लिए आपने इसको डिवाइड
डिवाइड करना है 75 फीट रोड्स के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। 75 फीट का ऑफसेट लगा दिया है, तो इसके बाद अभी हम इधर 5 मरले के प्लाट्स को बनाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 मरले का प्लाट है, आप इधर कॉपी कर लें उसको, और इधर आप दोनों आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शेप में आप बड़े हुए, तो इधर से वर्टिकल के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इधर प्लाट्स को वर्टिकल शेप के अंदर इधर लगाते जाए, जिस तरीके से मैं आपके सामने लगाता जा रहा हूँ। कोई भी फॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगता है, आप इसमें प्लाट की डिवाइडेशन के हिसाब से आप इसकी वर्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो आप इधर ये सेकंड रॉक के ऊपर भी आप लगा दें, फर्स्ट के ऊपर हमारे पास फ्रंट के ऊपर गली आ जाएगी, और इधर बैक साइड के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इधर उसकी दूसरी लाइन आ जाएगी। इसकी लाइन को हम जो 75 फुट का रोड जो है इसकी स्ट्रीट की वेड को हम 30 फिट रखेंगे। 10 मरले के जो थे हमने उसके अंदर 40 फिट रखी थी, और जो हमारे पास इसी तरीके से 5 मरले वाले हैं उसके अंदर हमने स्ट्रीट और लाइन की जो रोड्स होगी उसकी लंबाई हम 30 फिट रखेंगे। तो जैसे आप इसको कॉपी करके रोटेट कर दें 90 डिग्री के ऊपर, जिस तरीके से हमने पहले किया था, इसी फार्मेट को आप कॉपी कर दें, उधर नीचे लगा दें। इसी तरीके से आप इसको बाद इस लगाने के बाद आप इन लाइन्स को ऊपर से कॉपी करके और नीचे तक आप लगाते जाएँ, आप सेम टू सेम फार्मेट वगैरह इधर रख सकते हैं। देखने के आप हमने लगा दिए, उसके बाद नीचे वाले जो प्लाट्स हैं इनको आप इधर से ख़त्म कर दें, और जो लास्ट वाले प्लाट्स आपके पास आ रहे हैं इसको आपने एक्सप्लोर करके और इसको आपने बड़ा कर देना है। इन प्लाट्स को अपनी बाउंड्री वॉल तक आप इसको एक्सटेंड कर दें, इन प्लाट का साइज इधर से चेंज हो जाएगा। ये इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, आप इसकी सेटिंग्स अपने क्लाइंट से पूछ के और उसके हिसाब से भी इसकी सेटिंग्स वगैरह प्लाट्स की कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि इधर हमने इसको प्लाट बना दिया, उसके बाद आपने इसी तरीके से एक इधर भी आप लाइन लगाते जाएँ, और इधर आप अपनी स्ट्रीट जो 30 फीट की स्ट्रीट है उसकी आप लगा दें, और इसको आप कॉपी करके और इधर एंड तक लगा दें, और जो एक्स्ट्रा प्लाट आपकी बाउंड्री से बाहर जा रही है और जो लाइन वगैरह भी जा रही है बाहर, उस लाइन को भी आप इधर से एक्सटेंड करके ये जो प्लाट का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, आप इसको इसी तरीके से इधर बना दें। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हमने बना दिया है। इसी तरीके से अभी जो हमारे पास ये राइट साइड में हमने प्लाट बनाया है, इन सारे प्लाट्स को आप इधर से कॉपी कर लें, एक प्लाट को भी सिंगल प्लाट्स को भी आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जैसे कि सिंगल प्लाट, क्योंकि इधर हमारे पास लाइन है, तो आप ये सिंगल लाइन इधर आखिर तक लगाएंगे। सिंगल लाइन हमारे पास दूसरी बाउंड्री लाइन है, और दूसरी तरफ हमारे पास जगह नहीं है, तो इधर आप जो लाइन लगाएंगे वो प्लाट की वो सिंगल साइड वाली होगी। इसी तरीके से लास्ट वाला जो प्लाट होगा इसको भी आप एक्सटेंड करके और थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास सिंगल लाइन हमने लगाई और दूसरी तरफ हमारा डबल लाइन है। इसके बाद हमने इधर एक स्ट्रीट की जगह बना देनी है पूरी लाइन लगाने के बाद, और 30 फीट का हमने जैसे ऑफसेट लेके वो इधर इसकी स्ट्रीट इधर लगा देनी है। उसके बाद हमने इसी तरीके से इस प्लाट्स को जो है उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इधर लगा देने। इसके सामने सामने भी आप लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर इसी तरीके से इसको बनाऊंगा जिस तरीके से इधर साइड में बना हुआ है, तो इस फॉर्मेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो 5 मरले के प्लाट्स हैं, 3 मरले के प्लाट्स हैं, उसके ऊपर भी आप सारी की सारी सेटिंग्स इनकी इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने इसको कॉपी कर दिया और उसके सामने मैंने उसको प्लाट को पेस्ट कर दिया, तो ये वापस ये आउटर साइड के ऊपर जाएंगे, ये वापस सारे इस शेप में आ जाएंगे, और दरमियान वाली को आप डिफरेंट बना सकते हैं। इसकी स्ट्रीट 30 फीट की आप लगा दें सबसे पहले, उसके बाद जो आपने ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लाट लगाया है ये शेप उसको मैं जैसे कॉपी करता हूँ, और इसके साथ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास इधर एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको मैं जैसे ख़त्म कर दूंगा, और जो डायमेंशंस वगैरह के हिसाब से भी फर्क आ रहा उसको मैं चेंज कर दूंगा। इसी तरीके से आपने इधर एक लाइन लगा देनी है, और इसकी स्ट्रीट 30 फीट की आपने इधर लगा देनी है। उसके बाद आपने ये ऊपर वाले फॉर्मेट को सारा जैसे कॉपी कर लिया, तो इसी तरह ऊपर वाले फॉर्मेट को आपने जैसे कॉपी करना है और नीचे आपने लगा देना है। तो ये फॉर्मेट हम इसको अब नीचे तक लगाएंगे, सारे फॉर्मेट को इधर से कॉपी करेंगे, ये वाले फॉर्मेट को ऊपर से स्ट्रीट वाली जगह से कॉपी करके और नीचे तक लगाते जाएंगे। इसके बीच में अगर आप कोई फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं किसी तरीके से, कोई इधर अलग-अलग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह इस फॉर्मेट को नीचे तक दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो आप इसी तरीके से मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, आप अपने फॉर्मेट्स वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं इसके अंदर इसको बना सकते हैं। इधर से जो भी एक्स्ट्रा आपके पास लाइन वगैरह आ जाएगी इसको ख़त्म कर देंगे, इधर नीचे वापस जगह बच रही है, इधर आप कुछ भी कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा वगैरह। उसके बाद आपने इन लाइन्स वगैरह को इधर लगा देना है, और जो एक्स्ट्रा लाइन आपकी इधर आ रही है इनको आपने इधर से ट्रिम की कमांड लेके इधर से ख़त्म कर देना, ताकि आपके स्ट्रीट्स और जो लेंस हैं वो तकरीबन वाजे हो जाए सारी के, उसमें डबल जो है हुई हुई है सारी लाइन हमारी इधर मर्ज हो रही हैं सारी, ये ख़त्म हो जाए। तो इन सारी लेंस वगैरह को आपने जैसे ट्रिम कर देना, ताकि ये बिल्कुल वाजे शेप के अंदर आ जाए कि हमारे ये जो रेजिडेंशियल ब्लॉक ला जाएगा और स्ट्रीट्स वगैरह सारी ला जाएंगे। तो आपने इनको इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा जा रही है उनको आपने डिलीट कर देना, और बाकी को आपने जैसे ट्रिम कर देना। तो ये पूरी लेंस को आपने इसी तरीके से फॉर्मेट से आपने पूरा बना देना। तो भी आप देख रहे हैं कि हमने इधर दोनों ब्लॉक्स इधर बना दिए हैं।
इसके बाद इसके बीच में अगर आप पार्क बनाना चाहते हैं, कोई कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं, कमर्शियल एरिया बनाना चाहते हैं, तो आपने इन प्लाट्स के अंदर ही सारा कुछ बनाना है। जैसे सपोज आप इधर एक लाइन लगा दें, इन ये जो प्लाट्स सारे बने हुए थे इनको आप ख़त्म कर दो, तो ऊपर वाले जो प्लाट्स होंगे वो आपके इधर रह जाएंगे। इधर से आपने इसी तरह एक लाइन वगैरह और लगा देनी है और दरम्यान वाली लाइन को इधर से ट्रिम कर देना है। ये हम इधर पार्क एक बना देते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर इसके साथ ये रोड आ जाएगा। स्ट्रीट और नीचे वाली लाइन को भी हमने इसी तरह एक लाइन इसके ऊपर लगा के इन प्लाट्स को भी हमने इधर ख़त्म कर देना। ये आप अपना एरिया के हिसाब से अपने पार्क्स वगैरह, कमर्शियल एरिया, कोई मस्जिद है, कोई हॉस्पिटल वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं, अभी आपने इनके अंदर ही सारा कुछ करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसा ये सपोज मैं इसको पार्क बना देता हूँ, इसके बीच में आप पार्क के साथ और भी चीज़ें वगैरह काफ़ी सारी ऐड कर सकते हैं। तो ये पार्क बना देते हैं, इसी तरह आप इसको किसी भी जगह के ऊपर कोई भी चीज़ आपने बनानी है तो अभी आपने ये जो प्लाट्स बने हुए इनके बीच में ही करना है। अगर आप इसको अलग से करना आएंगे तो फिर आपको जगह एडजस्ट करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि पोर्शन हम इसको जैसे एक्सट्रीम कर देते हैं, EXTRM की कमांड है, जैसे सारी लाइन्स वगैरह हमारी ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारा इधर कमर्शियल ब्लॉक आ जाएगा। इधर हम अपनी कोई भी मार्केट वगैरह बना सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इधर आप इसी तरह लाइन बना के और इधर अपनी प्लानिंग वगैरह क्लाइंट को करके दे सकते हैं कि इधर जो भी आप दुकानें शॉप्स वगैरह बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इनको इधर बना सकते हैं। इधर डबल साइडेड स्ट्रीट वगैरह बना सकते हैं और इधर आप अपने पूरी जो 15 या 20 फीट या 10 फीट के हिसाब से शॉप्स वगैरह इधर सारी बना सकते हैं। उनको बना के आप इधर अपना पूरा एरिया कमर्शियल इसको कर सकते हैं। इधर आप कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, इधर प्लाजा वगैरह बना सकते हैं, जो भी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं जस्ट सिंपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपने दरमियान वाली लाइन्स वगैरह को आपने इधर से ट्रिम कर देना है, तो ये आपकी मार्केट्स दोनों साइडों में बन जाएंगी, दरमियान में आपकी स्ट्रीट वगैरह बन जाएगी, बीच में भी आप बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको कॉपी करके दूसरी तरफ आप इसको लगा सकते हैं सेम टू सेम। तो ये हमारा एक किस्म का कमर्शियल एरिया आ जाएगा, साथ इसके बाहर साइड पे आप पार्किंग वगैरह इसकी और सारा कुछ वगैरह आप इधर इसी तरह बना सकते हैं। इधर रोड्स वगैरह को भी आप बना सकते हैं और उसकी सारी सेटिंग वगैरह आप इधर इसकी कर सकते हैं। इसके बीच में आपने जो पार्किंग के लिए जगह देनी है आप पार्किंग दे सकते हैं, और जो रोड्स को आपने देना है तो वो उसके साथ आप इसका रोड्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह की आप वर्किंग कर सकते हैं पूरा अपना एरिया के हिसाब से। मुख्तलिफ जगह के ऊपर आप अपना मस्जिद वगैरह बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल वगैरह जो भी आपने बनाना है वो आपने सारा कुछ आप इन प्लाट्स के साथ ही जो भी बनाना है, तो इसमें जो प्लाटिंग हुई भी होगी आपकी उसके हिसाब से ये सारी सेटिंग वगैरह होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर हमने ये सारा कुछ इसकी सेटिंग वगैरह कर दी है, इसको भी आपने इसी तरीके से बना देना है। तो ये मुख्तलिफ जस्ट सैंपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि आप इसको बना सकते हैं। इस तरह आप दूसरी साइड के ऊपर भी आके मुख्तलिफ एरिया बना सकते हैं। दरमियान सपोज है कि ये दरमियान वाला एरिया है, उस पोर्शन को मैं जैसे रेस कर देता हूँ। रेस करने के बाद ये लाइन जो है इस लाइन को मैं इधर से एक्सटेंड करके और ये हमारा जो होगा ये पार्क आ जाएगा। और नीचे इसी तरीके से कोई आप कमर्शियल एरिया, कोई मार्केट वगैरह इधर भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर ये जो पोर्शन हमारे पास जाएगा, ये प्लाट्स बने हुए हैं इसके अंदर आप अपने सारे कमर्शियल एरिया वगैरह बना सकते हैं। इसी तरीके से स्कूल के लिए भी जगह बना सकते हैं आप, मस्जिद के लिए जगह बना सकते हैं आप, हॉस्पिटल के लिए जगह बना सकते हैं, कोई भी इसके बीच में जो भी एक डेवलपमेंट एरिया के बीच में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसके हिसाब से आपने हर एक के लिए जगह मुख्तस करनी है। उसके अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके खुद बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास फुल गो अहेड है तो आप अपने हिसाब से पूरी पूरी चीज़ें बना सकते हैं। प्लेग्राउंड बनाएंगे आप, इसके अंदर स्कूल्स बनाएंगे आप, इसके अंदर हॉस्पिटल बनाएंगे आप, इसके अंदर मस्जिद वगैरह बनाएंगे और जो जो सी भी चीज़ें इसके साथ रिलेटेड हैं, कोई ऑफिस वगैरह हैं जो भी हैं, तो सारा कुछ आपने उसके हिसाब से इन प्लाट्स के हिसाब से उसकी जगह आपने उसमें से ख़त्म करके उस जगह को बनाना है। तो भी आप देख रहे हैं कि इसके बीच में हमने दो किस्म के प्लाट बनाए थे, इसमें ग्रीन कलर हमारा 10 मरले का प्लाट्स था और इसी तरीके से जो रेड कलर है वो हमारे पास 5 मरले का प्लाट है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रीट्स वगैरह जा रही है, ये जो हमारे पास दूसरे बने प्लाट्स इसके बीच में हमने स्ट्रीट नहीं लगाई है, तो आपने इसी तरीके से उसकी सेंटर लाइन लगा देनी है, प्ले लाइन लगानी है और नीचे इसकी सेंटर लाइन लगा देनी है। ये हमारा 75 फीट का रोड था जो दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग डिवाइड करता है। ब्लॉक्स का इंटरनल 10 मरले का जो प्लाट्स थे उसके बीच में हमने स्ट्रीट्स और लाइन का डिस्टेंस था 40 फीट रखा था, और जो हमारे पास थी 5 मरले का इसके बीच में हमने 30 फीट इसका डिस्टेंस रखा था। ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। तो इधर भी आपने इन सब की सेंटर लाइन इधर लगा देनी है। सेंटर लाइन लगाने के बाद अभी हम इसके प्लान प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे, इसके एलिवेशन वगैरह को इन्हीं चीज़ इसी सेंटर लाइन के ऊपर जो भी हम ये लगा रहे हैं इसके ऊपर इसको एडजस्ट करेंगे। तो आपने ये सेंटर लाइन वगैरह इसी तरीके से सारे प्लाट्स के ऊपर जो जो से भी आपका गैप आ रहा है उसके बीच में आपने ये लाइन आपने लगा देनी है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं लगाता जा रहा हूँ।
तो आपने कंप्लीट इन प्रोजेक्ट की लाइन्स वगैरह लगानी है, थोड़ी सी स्पीड मैंने जैसे तेज़ कर दी है, रिपीट प्रोसेस है वही सेम टू सेम। तो ये इसमें वीडियो में टाइम इतना ज़्यादा लगा जाया करने की जरूरत नहीं है, आपने ये सारा को कॉपी कर लेना है और सेम टू सेम इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक आपने इसकी सेंटर लाइन्स वगैरह सारी लगानी है। इस लाइन्स को आपने लगाने का मकसद ये होगा, इसके ऊपर हम जब सिविल 3D के अंदर इसके अंदर अपनी इसकी पूरी इसके एस्टिमेट बनाएंगे, इसकी प्लान प्रोफाइल बनाएंगे और आखिर में सीवरी लाइन बनाएंगे, तो वो हमने इन्हीं लाइन्स के ऊपर इसकी जो प्लान प्रोफाइल्स बनेंगी उसी के ऊपर हमने सारा काम करना। तो ये हमारी जो सेंटर लाइन्स वगैरह होंगी इसको इसके हिसाब से हमने सारा काम करना। तो अभी हमने ये सारा कुछ लगा दिया है, आप इसको ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइन्स वगैरह लगी हुई हैं इसको आप इधर से रेस करके और बिल्कुल क्लियर कर देंगे इसको, जिधर आपके पास एक्सेस है ऊपर से आपने इस लाइन को भी ट्रिम करके और रोड्स को इधर से कंटिन्यूज वगैरह कर देना है इधर, कि जिधर आपके पास साइड बाउंड्री वाल के ऊपर जगह नहीं है राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर, उधर आपने इसको एज इट इज़ ही रहने देना। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों पोर्शन हमने इसके सेंटर लाइन्स वगैरह लगा दी, अभी हमने इनको लाइन लगाना है। जो हमारी वर्टिकल जा रही हैं उसको हम लाइन का नाम देंगे और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जा रही हैं उसको हम स्ट्रीट का नाम देंगे। तो इधर से हम पहला अपना नाम लिख देते हैं लाइन वन, या आप इसको इसी तरीके से इसको रोटेट कर दें 90 डिग्री के ऊपर और इधर से आपने इसको कापी कर लेना, और कापी करने के बाद इधर लाइन जो हमारी जा रही है पहली ये लाइन वन आ जाएगी, सेकेंड लाइन टू, इसको कापी करके आप इधर रख दें और इधर से आप इसको रिप्लेस करके लाइन वन टू थ्री कर दें। इन टेक्स्ट को आपने लेयर्स के अंदर बनाना है सबको, आपने उसको बगैर लेयर के अंदर कोई भी काम नहीं करना। इसी तरह लेयर ये लाइन थ्री आ गई है, ये आप देख रहे हैं कि वर्टिकल जो लाइन्स हमारी जा रही हैं उसको हमने लाइन का नाम दिया, आप उसको लाइन भी दे सकते हैं, स्ट्रीट का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जो भी आप नाम देंगे, देने के बाद आप उसको रिप्लेस करते जाएँ। इसी तरीके से आप इनको सीरियल वाइज तरतीब वाइज जिधर आप देखते हैं कि आपके पास आ रही है आगे, तो आपने उसको इसी तरीके से उनको बनाना। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटर में आ रही है, इधर से हमारे पास ये लाइन सिक्स आ जाएगी और ये हमारे पास साइडों के ऊपर जा रही है लाइन वन और लाइन थ्री जा रही है, कंटिन्यू जा रही है। आप इसका नाम ए के नाम के साथ भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं, अल्फाबेटिक नाम भी दे सकते हैं। अगर इनके आप अलग अलग नाम देना चाहते हैं किसी शख्सियत के नाम के ऊपर या किसी चीज़ के नाम के ऊपर भी, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप ये इस तरीके से इनके ऊपर आप बना के और सारी लाइन्स वगैरह को आपने इसी तरह बना देना है, इनके लाइन्स के नंबर आपने रिप्लेस करते जाना है जिस तरीके से सीरियल वाइज आ रहे हैं, या जो भी नाम आप देना चाहते हैं आपने ये इसी तरह कर देना है। इसी तरीके से ये आप सारे नाम दे देंगे, उसके बाद आपने इधर से कॉपी करना है और उसको सब जगह के ऊपर आपने ये स्ट्रीट के नाम आपने लिखने के बाद कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इधर से इसको रिप्लेस कर देना है, स्ट्रीट या ST का नाम आप दे सकते हैं। तो आपके पास दोनों साइडें आ जाएंगे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स जा रही हैं उनको आप स्ट्रीट्स के नाम दे दें, स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से आप कॉपी करते जाएंगे और ये नाम देंगे, और जो नाम आपने इधर देने हैं उसके हिसाब से ही हमारी इधर इसकी प्लान प्रोफाइल बनेगी। तो आपने नाम जो भी आपने इधर नाम लिखने हैं वो नाम आपने इस तरीके से लिखने हैं, उसके ऊपर ही हमने इधर प्लान प्रोफाइल्स अपनी इस पोर्शन की और उसका जो सीवरेज प्लान वगैरह होगा वो हमने इन्हीं लाइन्स के ऊपर बनाना है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड के ऊपर भी बना दें। तो ये हमारा 75 फीट रोड था, आप इधर 75 फीट वाइट रोड लिख दें, या कोई इसका नाम आप देना चाहते हैं, कोई भी नाम देना चाहते हैं तो आप इसका नाम दे सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इधर बना दिया। उसके बाद आप एक राउंड सर्कल बना लें और टेक्स्ट को इधर कॉपी कर लें। तो इधर आप इसका नाम ब्लॉक्स वाइज भी रख सकते हैं, ब्लॉक ए बी सी डी, या किसी के नाम के ऊपर रखना चाहते हैं नाम के ऊपर भी रख सकते हैं, किसी फ्लावर के ऊपर रखना चाहते हैं फ्लावर के ऊपर रख सकते हैं, किसी भी चीज़ों के ऊपर जो भी आप दे देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसका नाम दे दें। और जैसे इसका टेक्स्ट साइज वगैरह इसका बोल्ड कर दें, टेक्स्ट साइज सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये आप इसको इसी तरीके से इसको बना दें और इसको ब्लॉक की शक्ल में बना लें, इसको सबको सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद बी की कमांड लेके ब्लॉक आ जाए और इधर आप ब्लॉक का नाम देके इसको ब्लॉक की शक्ल में बना दें, ओके कर दें, और इधर से आप इसको मूव कर दें। और जो आपका ब्लॉक है उसके अंदर आप ये लिख दें कि हमारे पास ब्लॉक ए है, और सेकंड नंबर पर जो 5 मरल लेके जा रहा है वो हमारा ब्लॉक इधर से बी है, तो आपने इधर उधर से उसको इसी तरह ब्लॉक बी कर देना है, उसको भी आपने इधर इसी तरह ब्लॉक बना देना है, और ब्लॉक बनाने के बाद आपने इसको उधर लगा देना है। तो ये आपने इसी तरह आप जो जितने जितने ब्लॉक्स बनाते जाएंगे जिस तरह करते जाएंगे तो आपने सारी वर्किंग इसकी इसी तरह करनी है। तो ये पूरी टाउन प्लानिंग के मुताबिक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि आप इसकी टाउन प्लानिंग को कैसे बना सकते हैं अपने टॉप डेटा के ऊपर। इसकी मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग्स वगैरह होती हैं उसके मुताबिक पूरी डिटेल के साथ बताया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इंजीनियरिंग की सर्विस फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर हम आपको टॉपोग्राफी से लेकर टॉपोग्राफी सर्वे है, कोई सोसाइटी का सर्वे है, सोसाइटी का डिज़ाइन है, इसी तरीके से आपका कोई सीवरेज प्लान है, वाटर सप्लाई का प्लान है, कोई भी रोड्स वगैरह उसका डिज़ाइनिंग है, उसका सर्वे है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं आप मुझसे करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई एज बिल्ड ड्राइंग्स वगैरह बनाना चाहते हैं, एज बिल्ड सर्वे करवाना चाहते हैं,
क्रॉस सेक्शंस वगैरह बनाना चाहते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स का, उसकी इसी तरह आपको स्ट्रक्चर और ब्रिजेस वगैरह कलवर्स वगैरह के बारे में शेड्यूल्स हैं उनका डिज़ाइन वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपको हाउस मैप वगैरह कोई भी चीज़ आप बनवाना चाहते हैं इस किस्म की, तो हमारे पास कम्प्लीट एक्सपीरियंस होल्डर टीम मौजूद है जो कि हम आपको ये काम अच्छे तरीक़ाकार के साथ और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको करके दे सकते हैं अच्छे रेट्स के ऊपर। तो आपने मेरा ये नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, आप कोई दोस्त यार करवाना चाहते हैं तो आप उनको भी ज़रूर रिकमेंड करें मेरे इस चैनल के बारे में भी, और मेरे जो भी वर्किंग जो भी काम करवाना चाहते हैं उस सिलसिले में ये नंबर्स वगैरह मेरे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के हवाले से भी उनको दे सकते हैं और ख़ुद भी आप जो भी काम करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारा प्लान हमने इधर से फाइनल कर लिया है, ये ब्लॉक ए था हमारा 10 मरले का, इसी तरीके से ये ब्लॉक बी है हमारा इधर 5 मरले का, जिसकी हमने स्ट्रीट्स रोड पार्क कमर्शियल एरिया वगैरह हमने इसके अंदर बनाया। मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसके बीच में आगे हमने इससे इस वीडियो के अंदर आगे हम बात करेंगे इनकी जो लैंड स्ट्रीट्स वगैरह है इसकी वीडियो के मुतालिक के हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके अंदर कैसे कैसे इसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, इसके प्लान प्रोफाइल को कैसे बनाएंगे, इसे क्रॉस सेक्शन की क्वान्टिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके जो सीवरेज सिस्टम है ये जो सारे सोसाइटी या जो भी टाउन प्लानिंग होती है इसके बीच में मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर और सीवरेज का जो सिस्टम होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा, तो ये इस उससे अगली वीडियो जो मेरी होगी उसके अंदर मैं आपको पूरी तफसील साथ इसके मुताबिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करूंगा, इधर से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह कर देता हूं ताकि आपको इसकी अलहदा पार्ट्स बाय पार्ट्स इसकी समझ आती रहे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये प्लाट बना दिया था, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स के ऊपर आते हैं तो हमने पॉइंट्स की लेयर को भी इधर से ऑफ कर दिया था। आप पॉइंट्स वगैरह लगाना चाहते हैं पॉइंट तो आप इधर से लगा दें, इसका पॉइंट नंबर या डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप इधर से आप लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन या एलिवेशन डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इधर से इसके लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट्स वगैरह सारे हमारे आ जाएंगे। इधर से सरफेस भी हमने स्टार्ट में बनाई थी, आपने इधर सरफेस के ऊपर आ जाना है, एडिट सरफेस करना है और इधर से जो सरफेस आप उसका ऑन करना चाहते हैं उसको आप ऑन करके इधर से देख सकते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसके पॉइंट्स को इम्पोर्ट किया था, उसके बाद इसकी सर्फेस बनाई थी, उसके बाद इस पूरे की लैंड प्लानिंग हमने की, पूरे इसके प्लाट्स वगैरह बनाया, सारा कुछ डिटेल के साथ बनाया। तो इस वीडियो के अंदर इधर तक की आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा कि आपने कोई भी प्लानिंग वगैरह बनानी है, उसका प्लाटिंग का जो साइज रखना है, उसकी जो सेटिंग वगैरह करनी है वो आपने कैसे करनी है। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसे अगले दिन या एक दिन बाद मैं अपलोड करूंगा, जिसके बीच में मैं आपको इसके प्लान प्रोफाइल के मुतालिक बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर आप इसके प्लान प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, इसकी मिट्टी की क्वान्टिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रोड्स वगैरह होंगे उसके अंदर, और उसके बाद इसके इन्हीं एलिवेशन के ऊपर जो हमारे डिज़ाइन प्रोफाइल बनेगी उसके हिसाब से हम अपना इधर सीवरेज लाइन वगैरह को इधर सिविल 3D के अंदर ये पाइप नेटवर्क के ऊपर लगाएंगे और उसके अंदर से पूरे इसकी प्लानिंग इसके अंदर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।